देखिए काफी अच्छी पुलिंग रही है हम लोगों के पक्ष में। कई जगह जो है चाचा के लोगों ने लूटने की कोशिश की है बूथों को, और लेकिन उसके बावजूद भी काफी अच्छी पोजीशन हम लोगों के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में मिला है। और हम लोग पूरी तरीके से महागठबंधन के जहां भी प्रत्याशी है वो जीतने का काम करेंगे। चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, जेडीयू का अब तक मैनिफेस्टो नहीं आ पाया, आखिर क्या वजह है कि जेडीयू अब तक अपना कुछ कहने और करने को है ही नहीं। उनके पास देश की ऐसी पहली पार्टी है जिसने चार फेज हो गए लेकिन अब तक मैनिफेस्टो नहीं आया। और ये सवाल जो है हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है पूछने का काम किया था, जिसमें आपने देखा होगा कि कोई उधर से उत्तर नहीं आया। और उस पार्टी के पास, नीतीश जी के पास ना कुछ कहने को है ना कुछ करने को है, इसलिए इस प्रकार का उन्होंने मैनिफेस्टो, और बीजेपी की जो मैनिफेस्टो है मेरे को जहां तक लगता है कि बीजेपी के साथ रह करके भी नीतीश कुमार जी का जो मैनिफेस्टो है, मुद्दे जो है वो काफी अलग अलग है। कई इशू जो है बीजेपी जो के पक्ष में है वो उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन ये दिखावती है और ये जनता के बीच गलत मैसेज ना जाए, इसलिए इस तरह का मैनिफेस्टो उन्होंने नहीं लाने का काम किया है। गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी करके राहुल गांधी से ये बोला है कि अपने सिटीजनशिप जो है क्लियर करिए, क्या है आपका सिटीजनशिप, वो अब करेगा ना कोर्ट में अगर ऐसी बात है तो। बागी कुमार वर्मा जो है ज्वाइन कर रहे हैं आरजेडी, इसका कर चुके हैं जहानाबाद की सभा में, उन्होंने ज्वाइन किया जहानाबाद में। आपके प्रत्याशी को हथियार तस्कर बताया थे इस प्रकार। चलिए हो गया, ठीक है।